नंद बाबा मथुरा पहुंचे हैं और जाकर के मधुपुरी नरेश से मिले हैं। वहां कंस ने देखा तो कहा कि नंद बाबा बधाई हो बधाई हो, हमने सुना आपके यहाँ लाला भैया है। कहे कि हाँ मैं वही बताने आपके यहाँ आया हूँ। तो इशारे से द्वारपालों को इशारा किया मणि माणिक्य के थाल लेकर के, महाराज हमारे तरफ से लाला के लिए। और अच्छा लाला कब हुआ उसे कुछ पूछना था, बात ही बात में उसने पूछ लिया कब हुआ लाला। तो कहा कि महाराज अष्टमी की रात्रि में। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि उसको वो थी कि अष्टमी की रात आठवां गर्भ, उसने अपना पूछ लिया। जो लोग बड़े चतुर होते हैं वो बात ही बात में अपना जो मनोनुकूल व्यापार है वो कर लेते हैं। तो कंस ने संवाद ही संवाद में अपना जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, बधाई हो बधाई हो, लाला भयो को बधाई हो। नंद बाबा यहां वार्षिक कर दिए और जाकर के वसुदेव जी से मिले कि चल करके उनसे मिलाए, क्योंकि ये तो लड़का वसुदेव का ही है, देवकी का ही लाला है। पर देखो विधि की विडंबना देखो, लाला भयो वसुदेव के द्वार बधाई बाजत नंद के द्वारे। लाला कहीं और हुआ, बधाई कहीं और बज रही है। हमारे पास जो वस्तु है, हम जिस वस्तु को ले रहे हैं, पता नहीं उस वस्तु का उपयोग कौन करेगा। कभी कभी श्रीमान जी के लिए श्रीमती जी भोजन बनाती हैं और टिफिन लेके जाती हैं तो कहता मेरा मूड अपसेट है किसी और को खिला दो। तो बड़े भाव से बनाई थी, बना उसके लिए, पर खाए कुछ और लोगों ने खा लिया। सृष्टि में बड़ा ही कौतूहल है, कौन सी वस्तु कहां जाएगी हम नहीं समझ पाते, कौन सी वस्तु हमारे भाग्य में आएगी या आके भाग जाएगी ये भी हम नहीं समझ पाते। ये सृष्टि का विधान ही कुछ ऐसा है। विधना तेरे लेख निराले समझ न आते हैं, विधि का विधान बड़ा ही विलक्षण है। साधारण जीव समझ नहीं पाता, इसलिए धीरे धीरे व्यक्ति को जीवन में ज्ञानार्जन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम शून्य हैं, जो कुछ है वो सत्ता भगवत सत्ता है। अभी इस वैश्विक महामारी में जो दो तीन साल पहले जिसमें हम लोग सब लोग उसमें बड़े बड़े पैसे वाले महाराज उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, बहुत दिक्कतें हुई। उस वक्त पता लगा कि व्यक्ति की कोई सत्ता ही नहीं है। घर में एक दूसरे के साथ हैं पर सात दिन तक मिलना नहीं है, देखना नहीं है। देखा जाए तो जीव की कोई सत्ता है ही नहीं, जो सत्ता है वो जगदीश की ही है। पर जीव अहंकार के कारण मान लेता है, यह उसे दुख पहुंचाता है। कर्ता अहमिति मन्यते नाहं कर्ता कारयसि त्वं निस्पृहता मम कर्म फले। निष्प्रही हो जाए व्यक्ति तो उसे दुख नहीं मिलता है, और जहां स्प्रिहा हो इच्छा हो वहां दुख मिलता है। आशा ही परमं दुखम नैराश्यं परमं सुखम। आशा करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, किसी से आशा ही करें वो अज्ञान है। इसलिए आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से। यह बात उनके लिए है जो भक्ति मार्ग पर हैं। जो संसारी हैं उनके लिए कोरी बातें हो सकती हैं, पर जो भक्ति मार्ग पे हैं उनके लिए तो यही है कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही। नंद बाबा गए हैं वसुदेव देवकी से मिले, हृदय से लगा लिया वसुदेव जी ने।
देवकी की आंखों में आंसू आ गए। देवकी ने पूछा, भैया हमारा लाला ठीक तो है? कहा कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, लाला वहां बहुत सुख से बहुत मजे में रह रहा है। देवकी को याद आई, लाला की आंखें भर आई, क्योंकि पैदा होते ही मुख चुंबन किया था और वो चला गया लाला, याद करके बहुत दुखी हुई। और उस समय नंद जी कहते हैं कि देखो, अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवंगता। कंस ने तो बहुत सारे पुत्रों को मार दिया और एक कन्या थी वो भी चली गई। कभी कभी हमारे पास हमारे ही बच्चे हमारे काम के नहीं होते हैं, हमारे ही घर परिवार के लोग हमसे उनका मन नहीं मिलता है और फिर वो हमारे लिए ही कलह के कारण बनते हैं। और कभी कभी हमारी वस्तु हमारे काम भी नहीं आती। कितने बच्चे पर सबको कंस ने मार दिया और एक कन्या वो भी चली गई। घरों में जब माता पिता में बच्चों में नहीं पड़ता है और विच्छेद होता है, और जब माता पिता बहुत दुखी हो जाएं, फिर छोड़ छाड़ करके कहीं अनाथाश्रम में, कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं 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 कहीं, ये घटना बता रही है, ये मनस्थिति बता रही है कि देखा जाए तो यहां कोई किसी का नहीं है, लगता है बस यही माया है। मैं और तोर, तोर तय माया। ज्ञानी को जब ज्ञान होता है तब वह सब भूल जाता है, किसी को याद नहीं रखता है, ना हम किसी के ना कोई हमारा, बस भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ऐसा विचार करके अपने जीवन को साधनामय बनाता है। नंद जी बड़े दुखी हुए कि देखो इतने सारे बच्चे, सबको कंस ने मार दिया, एक कन्या वो भी चली गई। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा ये तो सब प्रारब्ध का खेल है, आप हमसे मिले, मुझे बड़ा आनंद आया, लाला का समाचार मिल गया, मन बड़ा खुश हो गया, पर नंद बाबा आपको यहां नहीं रहना चाहिए क्योंकि गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। करो वै बार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः नेहस्थेयं बहुदितं संत्युत्पादास्य गोकुले। गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, इसलिए नंद बाबा आप जल्दी जाएं, जहां लाला है वहां जल्दी जाएं। और जब तक नंद बाबा वसुदेव जी से मिलकर के ये संवाद कर रहे थे, उसी समय कंस ने अपनी चाल चली। जब तक ये मिलने गए, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सदा अपनी चाल खेलता रहता है। उसने तुरंत देखा कि ये वहां मिलने गए, और तब तक उसी समय में उसने पूतना को बुला लिया। कंस ने, पूतना प्रकट हुई, पूतना, पूत मतलब पूत, ना मतलब नहीं, इसके कोई पूत नहीं है, इसलिए पूतना। पूतान अपि नयति पवित्रान अपि नयति, ऐसी पूतना जो पवित्र नहीं है, कहते हैं ये पूत आत्मा है, मतलब पवित्र आत्मा है, पूत मतलब पवित्र, जो नहीं है वह है पूतना। पूतना क्या है? कहा कि अविद्या है, पंच परवा है, पांच गांठों वाली है, ये अविद्या है। ये बुला लिया कंस ने और कहा कि देखो, जाओ तुम गोकुल में, और जितने भी 8-10 दिन के अंदर जो भी बच्चे हुए हैं सबको तुम अपने स्तनों में जहर लगा करके सबको स्तन पान करा दो और वो सब किस्म मर जाए, और हमारा जो शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। भेज दिया पूतना को, पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई जा रही है, और जब जा रही है तो उसको लगा कि ऐसे जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो थोड़ा बन ठन करके सुंदर वेशभूषा, सुंदर स्वरूप बना लिया माया के द्वारा, और हाथ में कमल का पुष्प लेकर के और
गई है। लोगों ने कहा कि यही रास्ता जा रहा है नंदालय की ओर। पूतना वहां गई, जाकर के देखा तो सारी गोपांगनाएं, मैया रोहिणी, यशोदा मैया, सब लोग मिलकर के कन्हैया को झूला झूला रही हैं। सोने का हिडोला है और ठाकुर जी को झूला रही हैं। और उस समय पूतना पहुंची है, लोगों ने कहा आइए आइए बहना, आइए, स्वागत है आपका। पूतना ने देखा वाह क्या दिव्य स्वरूप है, क्या दिव्य मणि, अद्भुत, ऐसा रूप तो हमने आज तक देखा नहीं। यशोदा मैया ने कहा तुम लोग देखना, मैं अतिथि के लिए कुछ सेवा करने जा रही हूं, कुछ चाय कॉफी बनाती हूं। कन्हैया ने कहा मैया तू जल्दी जा, मैं इस अतिथि की आज ऐसी सेवा करूंगा, इसकी पुण्य तिथि आज ही बन जाएगी, तू जा तो सही। मैया जैसे ही अंदर गई तो पूतना ने कहा कि बहना थोड़ा हम भी ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल ले लो लाला को। पालना से ठाकुर जी को उसने उठा लिया, पर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई है, ठाकुर जी ने देख करके अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं। भगवान ने देखा कि बालकों के हत्यारिन है। ब्रज के कवियों ने इस पर दो चार भाव दिए कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। चर अचर के आत्मा ठाकुर जी ने अपनी आंखों को बंद किया। क्यों? क्योंकि कहा कि पूतना अविद्या है, इसको देखेंगे तो भगवान के सामने अविद्या रुक नहीं पाएगी, तो लीला शुरू नहीं होगी, इसलिए चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। दूसरा भाव यह है, भगवान कहते हैं ये बाल हत्यारण है, बालकों की हत्या कर दी है, रक्तपान कर दी है, इसलिए पापिनी का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। दूसरा मानो भगवान विचार कर रहे इसका हमारा कोई रिश्ता नाता तो नहीं है, तो कहा कि इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद किए। क्योंकि कुछ कवियों का ऐसा कहना है कि जब भगवान वामन बन करके जब विराट बन गए तब उस समय बलि की लड़की, उसका नाम रत्नावली है, और उसने देखा, उसने जो बलि की लड़की उसका नाम रत्नमाला है, उसने देखा और उसने विचार किया कि ये बड़ा सुंदर है, पर जब भगवान वामन से विराट बने तब उसके मन में विचार आया कि इसको तो विष पिला देती, तो भगवान ने कहा तेरी इच्छा पूरी होगी, मानो इसलिए वो बनकर भी आई है, इसलिए चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। दूसरा भाव यह है कि मानो ठाकुर जी कि नेत्र सूर्य और चंद्र लोग हैं, मानो सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं कि हमारे आराध्य को मारने आई है, इसलिए हमारे लोगों में इसका स्थान नहीं है, मानो दोनों ने अपने लोक बंद कर लिए, इसलिए चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। दूसरा भाव यह है कि मानो भगवान विष पीने की कला सीख रहे हैं, अभी अभी भोले बाबा गए तो मानो ध्यान करके बता रहे हैं कि बाबा हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए थे, विष पीना पड़ रहा है तो बताओ कैसे पिए, इसलिए मानो विष पीने की कला सीख रहे हैं। चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। इस प्रकार ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद किए और उसने धीरे से लेकर के अपने स्तनों को भगवान के मुख में दिया। तस्मिन् स्तनम् दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोरांगमादाय शिशोर्दधावथ गाढ़ं कराभ्याम् भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैशमं रोषशमन्वितो पिबत। भगवान उसके दूध को तो पीने लगे, उसके साथ उसके प्राणों को पीने लगे, और वह अपने रूप को छोड़ करके अपने उसी असली रूप में आ गई, क्योंकि बहुत दिन तक माया काम नहीं करती। सा मुंज मुंजालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। उसने कहा सामुंज छोड़ दे
भगवान ने कहा पूतना मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और जब पकड़ता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। सामुंज मुंजालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। जा करके ब्रज के गिरी गह्वर में अरण्य में जाकर के धड़ाम से गिरी हमारा, जोरों की ध्वनि हुई, लोग दौड़े, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ग्वाल बाल, गोपांगना सब दौड़ी हुई, बचाओ बचाओ। जाकर के देखा तो एक बहुत विशाल काय राक्षसी है महाराज, उसके ऊपर कन्हैया लेटा है। लोग दौड़ करके कन्हैया को गाले, मैया को दिया, मैया दूर खड़ी देख करके डरने लगी। लोगों ने कहा जब पास गई तो नहीं डरी, अब डर रही। तो कहा जब पास गई तो मैया की दृष्टि कन्हैया पर थी, जब दृष्टि ब्रह्म पर हो तो डर नहीं लगता है, जब दूर खड़ी हुई तो दृष्टि अब पूतना पे, कैसी है ये, डर गई। अविद्या है, पंच परवा है, पांच गांठे हैं इनमें। और उसी समय महाराज नंद बाबा आए, देखा बड़ा उत्पात, बड़ा शोरगुल, लोग दौड़ रहे हैं, यहां वहां बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है। जाकर के देखा बहुत विशाल गाय रक्षसी पूतना गिर करके मर गई, बहुत सारे वृक्षों को भी तोड़ लिया। बड़ी समझदार थी पूतना की, जलाने के काम आएंगे, इसलिए वृक्षों को भी तोड़ दिया। पांच जगहों पर इसकी चिता बनाई गई, पंच परवा है ये, पांच जगह इसकी चिता बनाई और चिता धू धू करके जलने लगी। सारे ब्रज में बहुत सुगंधित वातावरण, धुआं वैसा फैल गया। लोगों ने कहा भैया ये तो राक्षसी है, कैसे इतनी सुगंधी फैल रही है? तो कहा कि जिसको भगवान स्पर्श कर दें उसके तो शरीर से सुगंधी ही आएगी। भगवान ऐसे कृपा करुणा करने वाले कि भगवान को ये विष पिलाने आई थी, फिर भी भगवान ने माता के समान गति प्रदान किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजिताम ततोऽन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसा कौन है जिसकी हम शरण में जाएं, अर्थात भगवान जैसा कोई है नहीं, इसलिए सब तरह से मन को हटा करके भगवान में लगाएं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस भी प्रकार से मन को भगवान में ही लगाना, यही जीवन की धन्यता है। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। समय आने पर शकट भंजन, भगवान ने आज करवट लिया तो भगवान के करवट लेने का उत्सव मनाया गया महाराज। छकड़े पर भगवान को बाहर सुला दिया गया, अंदर माताएं सब अतिथियों का स्वागत सम्मान कर रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर वातावरण है। अचानक से भगवान की नींद खुली तो देखा कहीं कुछ नहीं है, दूध के लिए व्याकुल हुए, लात भगवान का छकड़े पे गया, छकड़ा बहुत दूर तक उड़ा, भ्रांत ध्वनि हुई। लोगों ने आकर के देखा, अरे अरे ये क्या हुआ, सब जो दूध दही मक्खन सब बिखरा पड़ा, लोग बहुत डर गए। और पूछा तो ग्वाल वालों ने कहा मैया लाला के पादप प्रहार से ऐसा हुआ। लोगों ने कहा दारी के तू ऐसा बोलता है, ऐसे कैसे लाला कर देगा। देखा जाए बच्चे वही बोलते हैं जो देखते हैं, बच्चों को झूठ बोलना कहां आता है, झूठ बोलना तो माता पिता सिखा देते हैं। वो एक बार एक व्यक्ति किसी का पैसा उधार लिया था, तो देखा कि वो सज्जन मांगने आ रहे हैं, तो तुरंत वो बच्चे से कहे कि देखो अंकल आ रहे हैं, पूछेंगे पापा कहां है तो कहना हम नहीं है, ठीक है। तुरंत अंदर वो सज्जन आए और बच्चे से पूछा बेटा सब ठीक है, हाँ पापा कहाँ है। तो उस लड़के ने कहा कि पापा तो हैं, पर पापा ने कहा कि जब आएंगे तो कहना कि हम नहीं हैं। तो बच्चे तो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो यहाँ जो ग्वाल वालों ने देखा था बताया कि ऐसे ही हुआ मैया, किसी ने विश्वास नहीं किया। लोग लेकर के कन्हैया को आए और बड़ा ही भगवान का अर्चन वंदन पूजन किया कि भगवान की कृपा करुणा से लाला के प्राण बचे। सुखदेव महामुनि कहते राजन एक बार और अद्भुत लीला ठाकुर जी ने किया। एक बार मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी, तो अचानक से ही मैया को लगा कि मेरी गोद में बहुत बड़ा शिलाखंड रखा गया है, लाला बहुत भारी हो गया।
तो लाला को नीचे रख दिया, घर के काम करने चले गए। उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य आया है। रजसा तमसा व्रतम, सारे ब्रज में एक क्षण के लिए धूल धूसरित पूरा ऐसा हो गया कि मानो कुछ दिखाई न पड़े। रजसा धूल, तमसा मतलब अंधकार के द्वारा सारा ब्रज भर गया। कभी कभी आप दिन में देखते होंगे ऐसा आंधी तूफान आता है कि लगता है कि दिन ही रात हो गया पूरा, ऐसा हुआ, अंधेरा हो गया। और उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य आया है, ठाकुर जी को लेकर के आसमान में गया और ठाकुर जी ने उसको पकड़ा और उसके गले को दबाया और उसके प्राण को हर लिया और गिरा। उसके बाद तृणावर्त नाम का दैत्य जाकर के तो ब्रज में ही जो बहुत बड़ा शिलाखंड था आंगन में वहीं जाकर के गिरा। लोग देखे जाकर के राक्षस गिरा पड़ा है, बड़े दुखी हुए। कन्हैया को लेकर के मैया अंदर गई और बड़ा फिर ठाकुर जी का वंदन किया कि भगवान की कृपा करुणा से हमारा लाला फिर बच गया। पता नहीं क्या हो रहा है, जब से लाला का जन्म हुआ तब से कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा। मैया बड़ी दुखी रहती है, भगवान का अर्चन वंदन करती है। समय आने पर सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन अब नंद बाबा ने अपने बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार लीला। इसलिए बच्चों का नामकरण संस्कार रखना चाहिए। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं उनमें एक संस्कार नामकरण संस्कार है, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उसके अनुसार नामकरण संस्कार करवाना चाहिए। यहाँ पर नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है जो बड़े ही दिव्य हैं। श्री शुक उवाच, गर्गः पुरोहितो राजन् यदो नाम सो महातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को बुलाया कि महाराज आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करिए और सुंदर गौशाला में भगवान का गुपचुप नामकरण संस्कार हो रहा, बड़ी सुंदर गौशाला नंद बाबा की। भगवान को गायें बड़ी प्यारी हैं, भगवान को गोपी बहुत प्यारी हैं और भगवान को गीता बहुत प्यारी है। गाय, गोपी और गीता, इसलिए आज सबका ध्यान गायों पर होना चाहिए। कल पूज्य महाराज ने चित्रण किया था थोड़ा सा, गायों पर ध्यान होना चाहिए, गायों की सेवा होनी चाहिए। और वो देसी जो गायें हैं वो वाली नहीं कि जिसके वो अलग से मुख दिखाई पड़ते हैं तुम्बरू की तरह, वो नहीं, देसी गायों। तो गाय की सेवा हो, सुंदर गौशाला हो, घर घर में गाय हो। आज एक बहुत बड़ी गौशाला है पथमेड़ा में, 2-2.5 लाख गायें हैं महाराज। संतों ने, महापुरुषों ने बड़ी सुंदर सुंदर गौशालाएं बना करके पूजा किया है। गाय साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, इसलिए गाय के प्रति बड़ा भाव। गर्गाचार्य जी की, गर्गाचार्य जी को बुलाया है नंद बाबा ने, गौशाला में सुंदर नामकरण संस्कार कराया है। यदूनाम महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। कहते हैं मैं इनको देवकी सुत मानता हूं, जिनको आप जिनका नामकरण संस्कार कराने जा रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है। और इसलिए भी बुलाया क्योंकि जिनसे नामकरण करवा संस्कार करवाना वो बड़े दिव्य हैं, बड़े दिव्य महापुरुष हैं, ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ हैं वो। तुम ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान कर तुमरहसी बालयोरनयोन्द्रणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। तुम ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठ, ब्रह्मविदों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप संस्कार करिए। बालयो हो अनयो हो, दो बालक हैं, एक रोहिणी मैया के गर्भ में जिसको माया ने संकर्षण करके स्थापित कर दिया था और एक श्यामल है, एक गौर है। राम जी का स्वरूप श्याम है, कन्हैया का स्वरूप घन श्याम है, बड़ी ही सुंदर आकृति। कुछ लोग सांवले भी हो तो भी नयन नक्श बड़े प्यारे होते हैं। भगवान सांवले तो हैं, घनश्याम हैं, और एक बार जो कन्हैया को देखे तो लुट जाए पूरा। स
संस्कार किया और कहा, राजन नंदवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसे मामकैरपि गोव्रजे कुरुद्वयादि संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। इसलिए मांगलिक वेला में स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है। जब भी कोई मांगलिक कार्य हो तो पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। इसलिए घर में स्वस्तिक बनाते हैं, मांगलिक कार्यों में स्वस्ति वाचन किया जाता है। और सबसे पहले नामकरण संस्कार गर्ग आचार्य जी ने किया बड़े भैया का, जो रोहिणी मैया के गोद में बैठा है। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलं विदुः। अयं हि रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी पुत्र हैं, रमयन सुहृदो गुणैहि अपने गुणों के द्वारा सबको राजी करेंगे। आख्यास्यते राम इति, लोग इनको राम भी कहेंगे, राजी करेंगे, इसलिए इनका एक नाम राम भी होगा। बलाधिक्याद बलं विदुः, बड़े बलशाली होंगे, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। आज एकादशी तो नहीं है, आवाज नहीं आ रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलं विदुः, इनका संकर्षण किया गया है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण मुसंत्युत, संकर्षण हुआ, राम हुआ, बलराम हुआ, ये नामकरण हुआ। अब उसके बाद गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगम् तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वसुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। कभी वसुदेव के यहां भी इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको वासुदेव के नाम से भी जाना जाएगा। ये इदानीम कृष्णनांगतः, कभी ये शुक्ल, कभी पीत, कभी रक्त, इस युग में ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कर्षत इति कृष्णः, जो खींचे उसका नाम कृष्ण है, खींचे सब। कर्षत इति बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, भगवान के हजार नाम हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम। सुंदर बच्चों का नामकरण होना चाहिए जिससे भगवान का नाम बच्चों में आए। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। उनको मैं जानता हूं, जनाः नो, लोग नहीं जानते, क्योंकि भगवान को हर व्यक्ति नहीं जान सकता। सामान्य व्यक्ति कहां जान सकता है, वह जानता है जो ब्रह्मविद है। ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। हर व्यक्ति भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, लोगों को अपने बारे में ही नहीं ज्ञान है, भगवान को कैसे जानेंगे। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस के यहां एक बहुत बड़ा सेठ गया, बहुत बड़ा सेठ, पैसे वाला। तो स्वामी रामकृष्ण के बारे में उसको पता लगा कि मां काली इनसे साक्षात बात करती हैं। तो सेठ ने कहा कि महाराज आप यहां जब काली माता आएंगे तो मेरे यहां भेज देना, उसके शब्द दे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा बता कहां भेजना है, तू अपना पता बता। तो उसने अपने घर का पता बता दिया। तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि ये तेरा पता नहीं है, मैं तेरे पते पे भेजूंगा, ये तो घर का पता है, तू अपना पता बता। तो उसने ऑफिस का पता बता दिया।
उन्होंने कहा कि ये तेरे कार्यालय का पता है, ऑफिस का है, मैं तुझसे तेरा पता पूछ रहा हूं, अपना पता बता। तो उसने कहा कि जहां मैं रहता हूं वही मेरा पता है। कहा कि नहीं, ये पता नहीं, ये घर द्वार का पता है, तेरा पता तो तुझको ही नहीं है। तू कहां रहता है तो तेरे पते पर मां जाएगी, तुझको अपना ही नहीं पता है। और हम कह रहे हैं कि मां काली को हमारे यहां भेज देना। अज्ञानी जीव कहां जान पाता है बहु नाम जन्म नाम अंते। कई जन्मों की तपस्या के बाद ऐसे जब कोई महापुरुष होते हैं फिर वो जानते हैं कि ब्रह्म चीज क्या है, वस्तु क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, हर व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो इसलिए ब्रह्मविद हैं। इन्होंने नामकरण संस्कार किया, नंद बाबा ने बहुत सुंदर मान सम्मान करके दक्षिणा दे करके और फिर विदा किया। समय आने पर अब ठाकुर जी की लीला शुरू हुई। अब ठाकुर जी घुटनों के बल चलने लगे, छोटे से कन्हैया बड़े प्यारे घुटनों के बल चलते हैं। और मैया देखती है तो भगवान के मुख में दो दांत दतुली आ गई है, और जब भगवान हंसते हैं तो दो दांत वो दिखाई पड़ता है। मैया बड़ी खुश होती है और बारी जाओ मेरे लाल। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ यफ्रतुः। घुटनों के बल ठाकुर जी चलने लगे। धीरे धीरे ठाकुर जी पड़े हुए और ठाकुर जी ने लीलाएं शुरू की। उनमें सबसे पहले ठाकुर जी की जो लीला है उसका नाम है माखन लीला। माखन को संस्कृत में नवनीत कहते हैं, रोज नया नया निकाला जाए उसको नवनीत है। तो ठाकुर जी माखन लीला करते हैं और सारे ब्रज की ब्रजांगनाएं भगवान को देखने के लिए आती हैं, भगवान की शिकायतें भी करती हैं और वहीं खड़ी खड़ी भगवान को देखती रहती हैं और कहती मैया तो अपने कन्हैया को संभाल, तेरा लाल बड़ा नटखट है। क्यों नटखट है? तो गोपांगनाएं कहती हैं वत्सार मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। मैया इतना चंचल है, वत्सार मुंचन क्वचित समये। हम अपनी जब गायों का दूध निकालने के लिए जाती हैं बाल्टी लेकर के, तो वहां कुछ बचता नहीं है क्योंकि समय के पहले ही बछड़ों को खोल देता है। बछड़े जाकर के दूध पी आते हैं और जब हम जाती हैं तो कुछ मिलता नहीं, तो हमको अंगूठा दिखाता और हंसता है। अरे मैया और तो और मरगान भोक्षण पता नहीं कैसी कैसी आवाज निकालता है कि बंदरों को बुला लेता है। मरगान भोक्षण सचिन्नाति भांडम भिनत्ति। अरे और तो और मैया मक्खन खाए मक्खन खिलाए कोई बात नहीं कि भांडम भिनत्ति पात्रों को भी तोड़ देता है। मैया बहुत नटखट है, अपने लाला को समझा। मैया कहती अरे गोपांगनाए तू रोज शिकायत लेकर के आती है, मेरा लाला इतना बदमाश थोड़े ही है। गोपांगनाए कहती मैया तू नहीं जानती, तू बहुत भोली है, ये बहुत नटखट है, इसको संभाल के रख, ये बहुत उत्पात करता है, हम लोग को बहुत परेशान करता है। मैया कहती क्यों रे कन्हैया तू यहाँ वहां माखन खाने क्यों जाता, क्या अपने यहाँ माखन की कमी है? मैया कहते कन्हैया कहते मैया तू इतनी भोली है, ये जो कहती है वो तू मान लेती है। ये देख ऊपर मक्खन रखा जाता है, मेरे छोटे छोटे हाथ में मक्खन कैसे उतार पाऊं, और इन गोपांगनाओं ने मुझे बदनाम करने के लिए मेरे उसमें मक्खन लगा दिया और आकर तुझे शिकायत करती है। देखा जाए तो ठाकुर जी मक्खन तो खाते हैं पर उनके यहां खाते हैं जो बड़ी पवित्र आत्माएं हैं, निर्मल हैं, दिव्यांगनाएं हैं, मानो ये ऋषि मुनि हैं जो आकर के गोपी रूप में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जाती हैं और उनको ठाकुर जी का सानिध्य मिला है। बड़ा ही सुंदर समय आ रहा है, गाते गुनगुनाते हुए ठाकुर जी के साथ बढ़ते। श्याम माखने चुराते चुराते जय जय श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते श्याम माखन चुराते चुराते
अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। कोई कह दो यशोदा से जाकर, कोई कह दो यशोदा से जाकर, नाम तेरा न जाने लगे हैं, लगे हैं नाम तेरा न जाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। पहले गौवे चराते थे वन में, पहले गौवे चराते थे वन में, वो पहले गौवे चराते थे वन में, पहले गौवे चराते थे वन में, मस्त रहते थे मुरली की धुन में, वो मस्त रहते थे मुरली की धुन में। अब तो ग्वालों की टोली बनाकर, अब तो ग्वालों की टोली बनाकर, रोज पन घट पे आने लगे हैं, लगे हैं रोज पन घट पे आने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। सखी कोई पन घट पे आए, जो सखी कोई पन घट पे आए, जो सखी कोई पन घट पे आए, जो सखी कोई पन घट पे आए, हो जो सखी कोई पन घट पे आए, जो सखी कोई पन घट पे आए, खाली बच के वो वापस न जाए, खाली बच के वो वापस न जाए। फोड़ देते हैं सबकी मटकिया, वो छोड़ देते हैं सबकी मटकिया, ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं, लगे हैं ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बड़े नटखट हैं बाके बिहारी,
बड़े नटखट हैं बांके बिहारी, हो बड़े नटखट हैं बांके बिहारी, बड़े नटखट हैं बांके बिहारी, हो मारे छिप छिप के तिरछी कटारी, मारे छिप छिप के तिरछी कटारी, अब तो नैनों से नैना मिला कर, अब तो नैनों से नैना मिला कर, सबके दिल में वो आने लगे हैं, लगे हैं सबके दिल में वो आने लगे हैं, श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हो, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, कोई कह दो यशोदा से जाकर, कोई कह दो यशोदा से जाकर, तेल तेरा लजाने लगे हैं, लगे हैं नाम तेरा लजाने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, लगे हैं अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोल माखन चोर भगवान की जय हो। तो भगवान ने माखन लीला किया, इसलिए मक्खन को संस्कृत में नवनीत कहा गया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि तस्कराणां पतये नमः। चोरों के सरदार को हम सब नमस्कार करते हैं। कैसा है ब्रजे प्रसिद्धम, बहुत प्रसिद्ध है ब्रज में वो, उसका बड़ा नाम है नवनीत चौरम। करता क्या है, कहा मक्खन चुराता। गोपांगनानाम चदुकूल चौरम, गोपांगनाओं के वस्त्रों को भी चुराता है, और तो और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों से अर्जित पापों को भी चुराता है। कौन वह चित चोर, माखन चोर, इसलिए चौरा अग्रगण्यम, जो चोरों में अग्रगण्य है, पुरुषम नमामि, हम उसको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। ब्रज की सीमा पे एक महात्मा बैठे रहते थे, और जो ब्रज में जाते थे उनसे कहते, भैया रुको रुको कहां जा रहे हो, तो कहा कि जा रहे हैं वृंदावन। कहा नहीं नहीं, और पथिकवा रुको रुको मत जइयो तू वृंदावन की ओर, ओरे पथिकवा रुको रुको, क्यों भाई, वावन में एक चोर वसत है, वा को नाम है नंद किशोर, ओरे पथिकवा रुको रुको मत जइयो तू वृंदावन की ओर, वहां मत जाओ, नहीं तो एक बार चुरा लिया तुम्हारे चित्त को तो फिर कहीं के नहीं रहो, रुको रुको। भगवान क्या करते, चित्त को चुराते हैं। हमारा चित्त कहां हो, कहा चित्त चोर में। ये ब्रज की ब्रजांगनाएं हैं, बड़ी पुण्यात्माएं हैं। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, वेद की ऋचाएं हैं, मानो गोपी वेश में आकर के भगवान का सानिध्य प्राप्त कर रही है। गोपी एक भाव है, गोपी कोई स्त्री ही नहीं है, गोपी एक भाव है। गोभी इंद्रियैहि पिबति किं भक्ति रसम या सा गोपी, जो भक्ति रस का रस पान कर रही है उसको गोपी कहते हैं। यहां भगवान ने मक्खन चुराया, सबके यहां जा जा करके मक्खन खाया। एक प्रभावती नाम की गोपी है, उसके यहां भी भगवान जाना चाहे, क्योंकि भगवान की सीआईडी बड़ी लंबी चौड़ी है। भगवान ने जब मक्खन चुराना शुरू किया तो भगवान ने उसके पहले अपना एक
मंडल बनाया, उस मंडल का नाम रखा चौर्य विद्या प्रसारण मंडल। चोरी करने की कला बताई जाती इसमें, और ठाकुर जी बन गए उसके अध्यक्ष। तो ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, तो भगवान ने सारे ग्वाल बालों को अपने संग जोड़ के रखा, बनाया। प्रभावती नाम की गोपी ने कहा सबके यहां जा कर खा लिया है, मेरे यहां आकर के खाए तो बताऊंगी। मैया कहती पकड़ के कोई दिखाए, मैया तो विश्वास कर आज मैं पकड़ के दिखाऊंगी, आए तो सही। तो प्रभावती नाम की जो गोपी थी उसका ही लड़का कन्हैया का बेस्ट फ्रेंड था। बात पहुंच गई कन्हैया के की प्रभावती ने चैलेंज किया है, भगवान ने कहा चलो कल प्रभावती के यहां ही चलेंगे। प्रभावती को भी पता लगा कि कहे हैं तो आएगा ही, बिल्कुल तैयार थी, हल्का सा फाटक लगा रखा था और ऊपर में सारे मक्खन, सब पूरी तैयारी कर रखी थी, आएगा और वो फिर एक के ऊपर बच्चे, फिर वो चढ़ते हैं, वो उतारेगा, वही उतारता है उत्पाती, और फिर पकड़ूंगी और मैया के पास ले जाऊंगी। भगवान गए और फिर वो एक ऐसी कला होती है, सबसे ऊपर वो बच्चा जाता है मक्खन को चुराता है, और जैसे भगवान मक्खन को पकड़े तब तक प्रभावती ने कहा रुक जा नंद के छोरा, फाटक बंद किया, सारे बच्चे भाग गए और प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। बच्चों ने कहा कि देखो भाई हमारा सरदार तो पकड़ा गया, अब यहीं रुक करके देखो कि आगे क्या प्रक्रिया होती है। तो प्रभावती नाम की गोपी अभी अभी आई है ब्रज में, नई नवेली है तो मर्यादा में रहती है, तो घूंघट में रहती है, भाई नंद बाबा के यहाँ जाना, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, यशोदा मैया रानी है वहां की, तो मर्यादा में जाएं। हमारी मर्यादाएं होती हैं कि बड़ों से हमको कैसे मिलना है, उस समय की मर्यादाएं थी, आज भी मर्यादाएं थोड़ी हैं, घूंघट तो अब कम है, पर फिर भी अच्छा घूंघट की प्रथा बड़ी अच्छी है। और राजस्थान में कथा उधर करने जाओ उधर, तो वो सारी माताएं जो आती राजस्थान में वो लंबा लंबा घूंघट काट के बैठती हैं, अब पता लगता नहीं कि माई कथा सुन रही कि सो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वो भी एक अच्छा ही महाराज। तो उस प्रभावती नाम की गोपी ने लंबा चौड़ा घूंघट किया और पकड़ा कन्हैया को, चल नंद के छोरा ले चलती हूं। और जैसे पकड़ करके चलने लगी रास्ते में आई तो सारे जो ग्वाल बाल थे, अरे कन्हैया तो पकड़ा गया भाई। तो कन्हैया ने कहा प्रभावती तुझको दया नहीं आती है, हमारी ये कलाई थोड़ी छोड़, इसको नहीं इसको पकड़। और तब तक कन्हैया ने इशारे से उसके बच्चे को बुलाया, जल्दी आओ कल इतना मक्खन खिलाएंगे। दौड़ करके आया वो, भाई सारे बच्चों का हाथ तो कोमल ही होता है, और फट कन्हैया ने प्रभावती के लड़के का हाथ उसके हाथ में दिया और खट भागा कन्हैया वहां से। और आया कहा मैया मैया, मैया ने कहा लाल, कहा मुझे बहुत नींद आ रही, कहा सो जा मेरे लाल सो जा। अब इसको तो पता है कि मैं कन्हैया को पकड़ के ला रही हूं, कहती चल नंद के छोरा। आई और द्वार पे आवाज दिया, अरे ओ मैया मैया यशोदा मैया क्या बात है, देख मैं तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा तेने भांग का रखी है, बावरी हो गई है क्या, अरे मैं पकड़ के लाई हूं, मेरे हाथ में ही है घूंघट, तो उसका ऐसे हाथ में पकड़ के लाई हूं, देख तू। मैया गई और मैया के पीछे पीछे कन्हैया नटखट नंदलाल। और मैया ने कहा अरे क्या बात है, कहा मैया तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। मैया ने कहा तेने भांग खा रखी है, घूंघट तो ऊपर कर। और जैसे घूंघट ऊपर की तो उसका लड़का हंसा पीछे से, कन्हैया लो पकड़ो। कन्हैया ने कहा प्रभावती आज तुमने पकड़ने की कोशिश की तो आज तेरे हाथ में तेरे बच्चे का हाथ है, कल तेरे हाथ में तेरे पति का हाथ होगा, सावधान रहियो। झुंझलाती हुई प्रभावती नाम की गोपी कन्हैया ने नाक में दम कर रखा है। और फिर मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, प्रभावती चली गई। इस प्रकार से ठाकुर जी मनोरंजन करते हैं और माँ को बहुत प्रसन्न करते हैं। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया, समय आने पर आज कन्हैया इतने इतना उधम किया कन्हैया ने, मैया कन्हैया को स्तनपान करा रही थी, गोद में बैठाई थी। और उसी समय कभी कभी बच्चे माताओं से ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि माता पिता उत्तर नहीं दे पाते। और जैसे मैया ने कन्हैया को स्तनपान कराया
और उसके बालों में उंगली फिराने लगी, तब तक कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ। पूछू? हाँ लाला पूछो। अच्छा ये बता मैया, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? बगल में दूध भी खोल रहा था, रखा था वहां। तो मैया ने कहा, नहीं नहीं लल्ला, मुझे तो पूत प्यारो है। कहा तो पूत प्यारो है, पर ध्यान दूध पे गया, उबाल मार रहा था। मैया ने खट कन्हैया को रखा और दूध बचाने गई। कन्हैया ने कहा, वाह मैया तुरंत ही पलट गई, अभी करे थी पूत प्यारो है। और बच्चों का जब भूख शांत ना हो तो बड़े क्रोधित होते हैं। और बगल में वहीं पड़ा था एक पत्थर, लेकर के मारा, सारा दूध बिखर गया, छाछ मक्खन सब। और आज मैया को गुस्सा आया। आज मैया ने कहा, वाकई सब कहती थी सही है, आज इसने नटखट का तो सारा हद ही पार कर दिया। मैया ने कहा, चल इस खल को उखल में बांधते हैं। और मैया ने कन्हैया को उखल में बांध दिया, हो गए बद्ध भगवान। ठाकुर जी को उखल में बांध दिया कि तो बहुत उद्यमी है, इस उखल में बंध जा। ठाकुर जी को उखल में बांधा। ठाकुर जी उखल को लेते लेते आंगन में आए, और आंगन में यमलार्जुन दो युग्म वृक्ष हैं, मणिग्रीव और नलकूबर, ये कुबेर के पुत्र हैं, बड़े पैसों वाले बाप के बेटे हैं ये। और एक बार जब ये बारूणी मदिरा पी करके अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद गुजरे वहां से। तो और लोगों ने तो वस्त्र पहन लिए, पर इन लोगों ने जो बारूणी मदिरा पी करके इनके इनके नेत्र लाल लाल हो रहे थे, इन लोग वैसे ही दिगंबर की तरह खड़े रहे। और देवर्षि नारद को क्रोध आया, अरे बड़ों के सामने भी मर्यादा का ज्ञान नहीं है, जाओ तू जड़ हो जाओ। और वही मणिग्रीव नलकूबर ये यमलार्जुन बनकर के नंद बाबा के आंगन में आए हैं, और प्रार्थना किया है देवर्षि नारद से कि महाराज गलती हो गई। तो कहा कि नहीं नहीं गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, इसलिए जो वृक्षादि इत्यादि हैं, ये वृक्ष इनकी योनियां हैं, वृक्ष योनि है, एक तपते रहते हैं, धूप तेज हो तप रहे हैं, वर्षा हो तप रहे हैं, ठंड हो तप रहे हैं, प्रकार की योनि है ये। तो कहा कि जाओ तुम जड़ योनि में जाओ। और वही यमलार्जुन बन करके यहां आए थे। तो कहा कि द्वापर में जब भगवान का जन्म होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, जाओ। तो भगवान का उखल फंस गया और भगवान ने झटका दिया, तो दोनों वृक्ष गिरे, जोरों की आवाज हुई। लोग आकर के देखे तो बहुत दो दिव्य पुरुष भगवान का मंगल गान कर रहे हैं और अपने धाम को गए। भगवान ने इस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार किया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने कहा, अरे यशोदा ऐसे मत किया कर, कन्हैया को ऐसे मत बांध, देख दोनों वृक्ष बगल में ही गिरे हैं, लाला के ऊपर गिर जाता तो बड़ा दर्द हो जाता। मैया को पश्चाताप हुआ, मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाया, लेकर के अंदर आई, पश्चाताप करने लगी और अपने लाला को हृदय से लगा लिया। अब लोगों ने कहा कि भाई जब से कन्हैया आया है तब से बहुत उत्पात हो रहा है, तो भाई जहां उत्पात ज्यादा हो वहां से दूर हो जाना चाहिए। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से ठीक नहीं है, इस घर को बेच दो और दूसरा घर लो, तो वो घर वास्तु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, ठीक ठाक हो, इसकी बड़ी महत्ता है। भूमि दोष होता है, तो भूमि दोष लोगों ने कहा कि भाई अब हम सब लोग वृंदावन चलेंगे, वृंदावन जाएंगे, क्योंकि अब वृंदावन चलें और इसको छोड़ करके हम सब लोग जाकर के वृंदावन बसेंगे, और वृंदावन बड़ा ही प्यारा है, भगवान की दिव्य लीला स्थली है, तपस्थली है, और जहां साक्षात राधा रानी विराजती हैं वहां चलना चाहिए। सब लोगों ने गोष्ठी किया और विचार किया कि नहीं नहीं इसको छोड़ करके हम सब लोग वृंदावन बसेंगे, जहां किशोरी जी निवास करती हैं। किशोरी मैं आपके चरणों में आया हूं, और इस भाव को लेते हुए गाते गुनगुनाते हुए हम सब लोग चलें, क्योंकि सब लोग आज इस गोकुल को छोड़ करके कन्हैया को लेकर के अनिष्ट की शंका से, क्योंकि बहुत उत्पात हो रहे हैं, अब लाला को लेकर के वहां रहें जहां सुरक्षा हो, इसलिए सब लोग वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आइए हम लोग भी वृंदावन की ओर चलें और राधा रानी को मनाएं, जहां पर साक्षात भक्ति निवास करती है वहां चलें ठाकुर जी के साथ। मैं तो आई वृंदावन धाम,
किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, जय जय बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। महारानी ब्रिज वृंदा की महारानी, मुक्ति जहां भरती पानी, मुक्ति जहां भरती पानी, हो ब्रिज वृंदा की महारानी, ब्रिज वृंदा की महारानी, मुक्ति जहां भरती पानी, हो मुक्ति जहां भर चरण पड़े चारुधाम, तेरे चरण पड़े चारुधाम, किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण पड़े चारुधाम, किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, कृपा की कोर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, करो कृपा की कोर श्री राधे, करो कृपा की कोर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर श्री राधे, मेरी विनती है मेरी विनती है आठोला किशोरी तेरे चरणन में, मेरी विनती है आठोला किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, हो हो किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन
बाके ठाकुर की ठकुरानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, वृंदावन की राजधानी, वृंदावन की राजधानी, बाके ठाकुर की ठकुरानी, हो बाके ठाकुर की ठकुरानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, तेरे चरण हो तेरे चरण दबावत श्याम की चोरी, तेरे चरण में तेरे चरण दबावत श्याम की चोरी, तेरे चरण में मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। सबने विचार किया कि हम सब लोग वृंदावन चले, क्योंकि गोकुल में बहुत उत्पात होने लगा। कभी कभी भूमि में दोष होता है तो वहां घर में बड़ी अशांति होती है, इसलिए भूमि शोधन किया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर ठीक ठाक हो, कहां कौन से कोण में कौन सी वस्तु होनी चाहिए, कहां भोजनालय होना चाहिए, कहाँ रसोई होना चाहिए, कहाँ पाकशाला होनी चाहिए, कहाँ बैठक होनी चाहिए, कहाँ प्रकोष्ठ होना चाहिए, आदि आदि बातों का बड़ा विचार करके और फिर ऐसे जगह पे घर का निर्माण कराना चाहिए। नहीं तो दोष होते हैं तो फिर उसमें सफलता नहीं मिलती, रोज कलह, कुछ न कुछ लोगों को अशांति, घर में कोई न कोई हर वक्त बीमार रहता, बहुत सारी बातें। इसलिए दोष शुद्धि करानी चाहिए। यहाँ लोगों ने कहा कि भाई जब से लाला भया है तब से गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं और हम सब लोग यहाँ छोड़ करके अब चलेंगे वृंदावन निवास करेंगे। वृंदायाः राधिकायाः सेवितं वनं वृंदावनम्, जो राधा जी के द्वारा सेवित वन है वो है वृंदावन। वृंदावन बड़ा ही प्यारा क्षेत्र है, यमुना का किनारा है, सुंदर ठाकुर जी विराजते हैं और दर्शन करने जो लोग जाते हैं तो फिर तुरंत तुरंत पट बंद हो जाता है, तुरंत हुआ फिर पट। इसके पीछे एक कहानी है, कहा कि भाई देखने तो ठाकुर जी को क्यों पट बंद कर लेते हो, तो कहा कि इसके पीछे बड़ी एक निराली कहानी है। वो एक बार कोई भक्त ठाकुर जी को इतने गौर से देखा तो जब वो चलने लगा तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल पड़े। तब से हुआ कि भाई पट बंद ही करो, क्योंकि ठाकुर जी को भी कोई प्रेम से देख ले तो ठाकुर जी उसके पीछे चल देते हैं। तब से वो पट बंद होने लगा, थोड़ा देर हुआ फिर बंद हो गया। तो जीवन भगवत आराधना के लिए ही मिला है। ये जरूर है कि बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में हैं, सब छोड़ लें तो भी ठीक नहीं है, पर फिर भी समय निकाल करके जिस परमात्मा ने हमको मानव जीवन दिया है उसके लिए हमको उसका सुमिरन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान कब होगा, सुमिरन कब होगा, तो कहा कि शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, हमारा आहार शुद्ध होगा तभी मन भजन में लगता है। इसलिए विचार करना है कि जो अन्न आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अन्न कैसा आ रहा है, अन्न हमारा शुद्ध है कि नहीं। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपने सभी संतों महंतों को लेकर के यात्रा पे निकल पड़े, लंबी चौड़ी जमात, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, निकल पड़े। वो एक राजा मिला,
राजा ने कहा कि महाराज आज का प्रसाद भोजन हमारे यहां। तो नानक देव ने कहा कि ठीक है विचार करेंगे। पर नानक देव आगे चले तो एक किसान मिला, तो उसने कहा कि महाराज आज का प्रसाद हमारे यहां हो जाए। गुरु नानक देव ने प्रसाद वहां प्राप्त किया और वैसे ही फिर वो राजा वहीं फिर मिल गया। तो राजा ने कहा कि महाराज हमने प्रसाद के लिए कहा तो आपने कहा विचार करेंगे और आपने यहां खा लिया, यहां तो नमक रोटी खा रहे हो। तो गुरु नानक देव ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम अपने यहां से रोटी मंगवाओ। तुरंत आनंद भान में महाराज रोटियां बन करके आ गई। गुरु नानक देव ने राजा के सामने ही रोटी को तोड़ा, उस रोटी से रक्त की धारा निकली और उसी समय किसान की भी रोटी को तोड़ा उसमें से दूध की धारा निकली। कहा कि यही कारण है तुम्हारे यहां जो अन्न है दूषित है, तुमने कितनों की हिंसा करके क्या क्या करके तुमने जो इकट्ठा किया है वह अन्न मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं। पर इस किसान ने बड़ी ईमानदारी पूर्वक परिश्रम से पसीना बहा करके जो इकट्ठा किया है मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। इसलिए अन्न की बड़ी प्रधानता है, अन्न कैसा हो। पता लगे कि उसी किचन में आम भी कट रहा है उसी में आमलेट भी कट रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। हमारा जो किचन हो स्वच्छ होना चाहिए, ठाकुर जी का भोग लगे और वह जो प्रसाद पाए तो उससे मन में शांति रहती है। इसलिए कहा तुम्हें निवेदित भोजन करहिं प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहिं। तो अगर मन साधना में संलग्न नहीं है इसका मतलब है कहीं न कहीं अन्न में दोष है। इसे आहार शुद्ध सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। इसलिए अन्न कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किन मार्गों से आ रहा है, अन्याय से आ रहा है या न्याय से आ रहा है, उस पर बड़ा विचार करना है। और फिर वो अन्न जो ग्रहण करोगे फिर वो सात्विक मन होगा, फिर वो भगवान में लगेगा। जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उसके लिए समय निकाल करके 24 घंटे में से आधा घंटा एक घंटा तो हम उस परमात्मा के लिए निकाल ही सकते हैं। और यदि नहीं निकालते हैं तो फिर हमारे जैसा कृतज्ञ कोई दूसरा नहीं, हम सबके साथ छल करते हैं। बात करना है मना मत प्यारे तो बात कर, गर्भ में जो वादा किया था उसको प्यारे याद कर। जब हम गर्भ में होते हैं मां के गर्भ में जहां मलमूत्र भरा पड़ा है उसमें जीव औंधा लटका रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है मुक्त करिए हमें, हम आपका भजन करेंगे। और जैसे ही मुक्त होता है फिर वो भूल जाता है। गर्भ में जो वादा किया था उसको हम याद रखें कि पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न हो। शरीर क्या है, एक मल बनाने की मशीन ही तो है, मल ही तो बनता है शरीर के अंदर। रात में जो भी खाते हो सवेरे मल ही बन जाता है, मल बनाने की मशीन है। अंदर देखो तो रक्त मांस मेजा भरा हुआ है। ये चमड़ा ऐसे दिख रहा है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है और इसमें थोड़ा सा सफेदी आ जाए तो कहे थोड़ा सा दूर बैठियो। शरीर यही है, थोड़ा सा सफेद दाग आ जाए तो भाई साहब थोड़ा सा दूर बैठ जाइए, कोई बात नहीं बैठिए बैठिए आप थोड़ा सा पास में नहीं बैठ सकते। शरीर यही है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव याता। शरीर के प्रति रक्षा करना धर्म है, शरीर के प्रति ममता करना यह धर्म नहीं है, रक्षा करना धर्म है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ठीक रहेगा तो धर्म करोगे, पर शरीर के प्रति ममता ही हो जाए वो ठीक नहीं है। ममता तो परमात्मा में हो। सारे लोग जाकर के वृंदावन में प्रवास किए हैं, भगवान ने वहां दिव्य लीलाएं शुरू की हैं।
सुखदेव महामुनि कहते एक बार ठाकुर जी ने मृद भक्षण लीला किया, मतलब कन्हैया ने मिट्टी खाई आज। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारगाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारगाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। सारे ग्वाल बाल गए, दाऊ दादा भी गए, कहा मैया मैया कन्हैया ने मक्खन तो खाया ठीक है, आज मिट्टी भी खाया इसने, छोरा ने नटखट हो गया। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्र निवेदयन्। मैया से कहे देखो देखो बचाओ, देखो आज लाला ने मिट्टी खा लिया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, हाथ में एक डंडा लेकर के, बदारे लाला तेने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते बिल्कुल नहीं खाई। किसने कहा? कहा कि ये तुम्हारे बड़े भैया ग्वाल बाल सब। कन्हैया ने कहा कि ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। दाऊ दादा ये तो हमारे और भी बैरी है, इनकी बात पे विश्वास कर लेती हो? मैया ने कहा बा मेरे हरिश्चंद्र के अवतार, तू ही ठीक है। हाँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कौन कहता मैंने मिट्टी खाई? कहा ये सब सर, कहा सब झूठ बोल रहे। अरे नहीं तुमको लगता है तो मेरे मुख को देखो। बदंतिता वगा ये दे कुमारास्ते ग्रजोपयम, सब लोग कह रहे हैं पर मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। श्री कृष्ण वाच नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः। हे अम्ब नाहम भक्षितवान, मैंने कुछ नहीं खाया, ये सब मिथ्यावादी लोग हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, यदि सत्य है तो मेरा मुख देख लो। जैसे कहा तो मैया ने कहा ठीक है मुंह दिखा मुंह दिखा, और जैसे कन्हैया ने मुंह खोला मैया ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। बड़े बड़े सागर तरंगे, बड़े बड़े देव दानव दैत्य गंधर्व तिमिंगल गिल, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े शिखर, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, उसमें देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक रुद्र सब लोग आरती करते हुए उसमें मैया ने देखा। अरे राम राम, उत्ताल तरंगे, इसमें सागर, इसमें मेदनी, सप्त मेखला दिखाई पड़ने लगी। मैया को लगा मेरी बावरी आंखें क्या देख रही हैं, फिर देखा तो उसमें नंदालय को देखा, कन्हैया के मुख में नंद बाबा का पूरा आंगन देखा, उसमें देखा कि मैं खड़ी हूं और उसमें कोई दूसरा लाला भी है। मैया बहुत भ्रमित हो गई, अरे राम राम ये क्या है, मैं भी इसके अंदर खड़ी हूं। मैया तो बिल्कुल कांपने लगी, पसीने पसीने हो गई। मैया ने अपनी आंखें बंद कर लिया और मैया ने विचार किया, अरे राम राम इसको तो मैं लाला मानती थी, लाला नहीं है ये तो भगवान है। अरे हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, बिल्कुल आंखें बंद हो गई, पसीने पसीने हो गई मैया। भगवान ने देखा कि मैया की हालत तो बड़ी खराब है, भगवान ने वैष्णवी माया का आवाहन किया। माया स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया और वैष्णवी माया, माया के कई प्रकार हैं। आज भगवान ने वैष्णवी माया का उपयोग किया मां के लिए। इत्थं विदधत्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभुः। भगवान ने वैष्णवी माया का उपयोग किया। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सहरोप्यारोहमात्मजम्। और जैसे वैष्णवी माया का उपयोग किया तो मां की जो स्मृति थी कि ये मेरा लल्ला नहीं है भगवान है, वो भाव नष्ट हो गया। पर इतना तो था कि कुछ न कुछ तो मैंने इसके मुंह में देखा है, और तो सब भाव नष्ट हो गए। और फिर मैया ने कन्हैया को लिया, मुख चुंबन किया, आई और आकर के नंद बाबा से बोली कि सुनो जी आज हमने कन्हैया के मुख में कुछ ऐसे ही देखा है। तो नंद बाबा ने कहा अरे यशोदा
जाओ जाओ अपना काम करो, 60 साल के बाद ऐसे ही होता जाओ। जिस बात को कन्हैया ने सुना, अच्छा बाबा ने मैया को ऐसे कहा, कल बताता हूं बाबा को। सुबह हुआ और बाबा अपने शालिग्राम को भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, तब तक लाला आ गया, आओ आओ लाला बैठो बैठो, चढ़ाओ तुम भी, केशवाय नमः, माधवाय नमः, तुम देखो हमारे शालिग्राम को मैं भोग लगाने के लिए अंदर जाता हूँ, तुम्हारी मैया ने कुछ बनाया होगा, ध्यान देना हमारे ठाकुर जी को, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ करियो नहीं, सावधान रहियो, यहाँ बैठो, भगवान को प्रणाम करो, आ रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है बाबा, बिल्कुल। नंद बाबा गए, अरे यशोदा भगवान के लिए कुछ हमारे शालिग्राम के लिए भोग बन गया, खीर तैयार है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खीर तैयार है। लेकर के खीर आए और शालिग्राम के ऊपर जो तुलसी का पत्ता पधराया था उसको थोड़ा हटाया कि भोग लगाएं, तो देखा तो शालिग्राम ही गायब। तो देखा, अरे पूछा, अरे कन्हैया हमारे ठाकुर जी कहाँ गए? यही थे, मैंने कहा था ध्यान देना, कहाँ गए? नंद बाबा ने कहा ये मौनी बाबा कैसे बन गया हमारा कन्हैया, कुछ तो बोल नहीं रहा है। तो देखा तो भगवान का कपोल थोड़ा फूला फूला सा लगा, अरे अरे हमारे शालिग्राम को तुमने रख लिया, दिखा दिखा, मुंह खोलो मुंह खोलो। मुंह खोला तो भगवान के मुख में शालिग्राम, अरे राम राम। और जैसे कन्हैया ने मुख खोला तो वही दर्शन जो कभी माँ को हुआ था भगवान ने यहां भी कराया नंद बाबा को। बड़े विस्मित हो गए और जाकर के बोले, अरे यशोदा आज हमने भी लाला के मुख में कुछ देखा। यशोदा मैया ने कहा जाइए जाइए, 70 साल के बाद ऐसे ही होता, काम करियो। आज भगवान ने दर्शन कराया है माँ को भी और बाबा को भी, जहां दर्शन कराया उसका नाम ब्रह्मांड घाट है। आज भी वृंदावन में रमण रीति की ओर जब आप जाओगे तो वहां ब्रह्मांड घाट है, जहां आजकल सायंकाल रोज यमुना जी की आरती आस्था के माध्यम से चल रही है, आस्था चैनल के माध्यम से, वहीं ब्रह्मांड घाट है, वहां ठाकुर जी ने दर्शन कराया है। इस प्रकार दर्शन करा करके ठाकुर जी ने मानो द्रोण और वसु को इनका जीवन धन्य किया है। समय आने पर आज मैया ने कहा कन्हैया अब गौचारण करो, तो ठाकुर जी ने वत्स चारण किया है, बछड़ों को लेकर के ठाकुर जी गौचारण करने गए हैं। श्यामल श्याम सुंदर गायों के मध्य में बांसुरी बजाते हुए, अपनी काली कमरिया रखते हुए और सारे ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी यमुना के पुलिन पर जाते हैं और वहां जाके गायों को चराते हैं। ठाकुर जी ने गौ वत्स चारण किया, अर्थात गायों की सेवा किया और पुनः सायंकाल होते हुए सारे ग्वाल वालों को लेकर के गायों को आवाज देते, ओ गौरी ओ गंगी ओ श्यामा, सारी गायें आ जाती हैं और भगवान लेकर के प्रस्थान करते हैं। और जब भगवान का आना जाना गोपांगनाएं देखती हैं तो मानो अपने जीवन को धन्य करती हैं, सभी का क्या दर्शन करें। भगवान इस प्रकार वत्सचारण करते हुए आने जाने लगे। समय आने पर एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया है उसी बछड़ों के मध्य में और एक अलग ही दिख रहा था, तो भगवान उसके पास गए तो पीछे हटता गया। भगवान ने कहा कि ये कौन सा बछड़ा है जो पीछे भाग रहा है? तो भगवान तो और भी कौतुकी हैं, भगवान को बहुत दूर ले गया और वहां पर उसने अपने असली रूप को प्रकट किया। उसके पहले ही श्याम सुंदर ने वत्सासुर नाम के दैत्य का पैर पकड़ा और उसको पकड़ करके पटक दिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्राण पखेरु उड़ गए। वत्सासुर नाम का दैत्य भगवान ने उसका उद्धार किया है, लोगों ने जय घोष किया। समय आने पर एक बकासुर नाम का दैत्य आता है, बहुत विशाल बगुला बनता है यमुना के तट पर। भगवान ने देखा कि कौन अद्भुत बगुला है, सारे ग्वाल वालों को कौतूहल हुआ, इतना बड़ा बगुला तो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। भगवान जैसे ही उसके पास गए तो उस बगुले ने अपनी चोंच से भगवान को अंदर ले लिया, इतना विशाल गाय था, और भगवान ने उसके अंदर ही अपने रूप को विस्तार किए, भगवान को निगल दिया और भगवान ने उसकी चोंच को पकड़ करके जो फाड़ा है। इस प्रकार भगवान ने
बकासुर का भी उद्धार किया। समय आने पर अघासुर नाम का दैत्य है, जब भगवान गौचारण करते हैं, एक बार ग्वाल वालों ने कहा कि श्याम सुंदर जितने भी यमुना के तट पर जो सुंदर शाखाएं हैं, जो सुंदर मध्यभाग है, वहां जाकर हम लोग गायों को चराएंगे। पर एक दिन ग्वाल वालों ने देखा भगवान के साथ की ऐसी गुफा तो आज तक हम लोगों ने देखी नहीं, और वो ऐसे अपना मुंह फैलाए मानो कोई गुफा अंदर बनी हो। सारे ग्वाल वालों ने कन्हैया ये तो कभी गुफा दिखाई नहीं पड़ी आज तक हम लोग आते रहे, क्यों ना हो इस गुफा के अंदर चला जाए। उस गुफा के अंदर सब गए, तब तक वो प्रतीक्षा करता रहा कि जब तक श्याम सुंदर नहीं आए तो मुख बंद करना सही नहीं है। सारे ग्वाल वाल चले गए, श्याम सुंदर तो समझ गए कि ये कोई मायावी है, और जैसे ही भगवान अंदर प्रविष्ट हुए उस अघासुर नाम के दैत्य ने मुख बंद किया, सारे ग्वाल वालों की सांसें थम गई, सब बेहोश हो गए, और भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया, फट गया उसका मस्तक, और फिर सबको भगवान ने बाहर किया, अमृत दृष्टि डाली है, और सारे ग्वाल बाल स्वस्थ हो गए, लोगों ने उद्घोष किया है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जब ग्वाल वालों ने देखा कि अरे राम राम ये तो बहुत बड़ा अजगर था, ये हम लोग को तो खा ही लिया होता, ये कन्हैया ने हम लोग को बचाया, और सारे ग्वाल वाल बड़े खुश हो गए कि हमारे जीवन धन हमारे प्राण रक्षक भगवान श्याम सुंदर ही हैं, और भगवान को लेकर के कौतूहल करते हुए और सब पुनः प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार ब्रज में ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लीला करते हैं। समय आने पर एक बार ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो ब्रह्म है ये कैसा ब्रह्म है कि ग्वाल वालों के संग आता है, उनकी जूठन खाता है, खिलाता है दधी कमल के मिश्रित कमल। तो ब्रह्मा बाबा को संदेह हुआ कि ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म को साफ सुथरा होना चाहिए, ये मैला कुचैला जूठा खाना खिलाना ये ब्रह्म के लक्षण तो नहीं। तो भागवत जी में लिखा मुह्यंत यत् सूरयः यत्र ब्रह्मादयः अपि मुह्यन्ति, जहां पर बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला को देख करके, फिर ये अरे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा बाबा को मोहित हुए भगवान की लीला देख करके, और आज ब्रह्मा जी को लगा कि आज मैं परीक्षा करूंगा कि ये ब्रह्म है कि नहीं है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि अपने से बड़ों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। अब कोई अपने माता पिता की परीक्षा करे, अपने कोई गुरुजनों की परीक्षा करे, ये तो ठीक नहीं है, पर अहंकार के कारण अज्ञान के कारण लोग ऐसा करते हैं। आज ब्रह्मा जी को लगा कि हम परीक्षा करेंगे, और जैसे ही भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर के आए हैं, बैठे हैं, और सारे ग्वाल वाल अपने अपने यहाँ से जो उनके यहाँ बना है भोजन प्रसाद लेकर के आए, तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि संस्कृत में भात को भक्तम कहा गया, भात खाते ना भात चावल, भक्तम कहा गया, अर्थात ठाकुर जी भक्त को लेकर के ही जाते रहते हैं। तो ठाकुर जी ने जैसे ही चावल को और दधी को मिलाया कमल और एक ग्वाल वाले के मुख में दिया और वही फिर खा लिया, ब्रह्मा जी को लगा नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो जो जो गायें वहां बाहर चल रही थी उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। भगवान ने कहा कि सब लोग खा लिए, अब जाओ देखो गैया कहाँ है। ग्वाल वालों ने कहा श्याम सुंदर आप यहीं आराम करो, हम देख करके आते हैं। सारे ग्वाल वाल गए देखने, गैया तो वहीं है नहीं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को भी चुरा लिया, कैद कर लिया। बरसों ये लीला चलती रही। भगवान ने देखा कि हमारी गाय नहीं है, हमारे ग्वाल वाल नहीं है, तो भगवान को हंसी आ गई, भगवान को मुस्कुराहट हुई, और भगवान समझ गए कि ये किसी ने मजाक किया है, और तुरंत भगवान जितनी गायें थी भगवान गाय बन गए, जितने बछड़े थे भगवान बछड़े बन गए, जितने ग्वाल वाल थे सब भगवान बन गए। सालों साल ये चलता रहा क्रम, किसी कुछ पता नहीं चला। पर एक दिन दाऊ दादा ने देखा कि ब्रज में प्रेम की बाढ़ इतनी ज्यादा कैसे आ गई। प्रेम तो था ही, पर प्रेम की बाढ़ इतनी ज्यादा कैसे आई। तो दाऊ दादा ने ध्यान करके देखा तो सारे ग्वाल बालों के
सर पे, गायों के सर पे, बछड़ों के सर पर मोर पंख लगा था। दाऊ दादा ने प्रणाम किया कि ये ठाकुर जी की लीला है। आज ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ कि हमने ये सब तो कर लिया, पर ब्रज में कोई हलचल नहीं है, कोई उत्पात नहीं है, सब लोग मस्ती के साथ जी रहे हैं। ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ और ब्रह्मा जी को लगा कि नहीं नहीं, हमसे अपराध हुआ है, हम अपने स्वामी की शरण में जाएं। और जाकर के भगवान के शरण में गिरे हैं। 40 श्लोकों में चतुरानंद ने भगवान की स्तुति किया। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुञ्जावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नौमीड्यते भ्रमपुषे तटिदंबराय। हम आपको नमन करते हैं प्रभो पशुपांगजाय। श्याम सुंदर, हमसे अपराध हुआ है, हमें क्षमा करिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, जाओ अब सावधान रहो, अपनी सृष्टि के कार्य में लगो। ब्रह्मा जी प्रणाम करके अपने धाम को गए हैं। और इस बात को 2 साल के बाद ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में ये बात बताई कि मैया हम तो 2 साल के बाद आ रहे हैं। सारे ब्रजवालों को बड़ा कौतूहल हुआ, फिर वो कौन था जिसको हम प्यार करते थे, तुम लोग तो रोज ही आते थे। कहा नहीं नहीं, हम तो वहां कैद थे। सारे ब्रजवाले विस्मित हो गए, सबकी आंखें डबडबा गईं, आंखों से अश्रुपात होने लगा। और सारे ब्रजवालों ने कहा हमारे प्राण धन हमारे श्याम सुंदर ही हैं। इतनी बड़ी विपत्ति आई, हम लोग को पता भी नहीं चला। कितने कितने उत्पात हुए, कितने कितने संकट आए, भगवान ने सबको दूर किया। सब दुखी होकर के भगवान को हृदय से लगा लिए और भगवान का वंदन करने लगे और कहे हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको श्याम सुंदर मिले। इस प्रकार ब्रज वालों का ठाकुर जी दुख दूर करते हैं। समय आने पर धेनुकासुर नाम का एक दैत्य है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। ग्वाल वालों को लेकर के एक बार भगवान का उच्चारण करने लगे और दावाग्नि लग गई जंगलों में। आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी पड़ती है तो जंगलों में आग लग जाती है, तो वहां भी दावाग्नि लगी, पूरी अग्नि भर गई। ग्वाल वालों ने कहा श्याम सुंदर रक्षा करो, भगवान ने कहा अपने अपने नेत्र बंद कर लो। और भगवान ने अग्नि पान किया है, मुखाद अग्नि रजायत, ठाकुर जी के मुख से ही अग्नि निकली है। इसलिए जब प्रहलाद जी को होलिका जलाने बैठी तो होलिका से कहा कि अरे तू जिसको जला रही है उसके स्वामी के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है। अग्नि प्रहलाद जी के लिए शीतल हो गई। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई पर एक कुटिया बची रह गई। जारा नगर निमिषय कमाही एक विभीषण कर गृह नाही। सारा नगर जल गया पर एक विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के मुख से ही मुखाद अग्नि रजायत। इसलिए भगवान के भक्त बने, भगवान की शरण में रहें, जीवन का सौंदर्य ही यही है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये। जिस भी प्रकार से मन को भगवान में लगाओ, स्वई पावन स्वई सुभग शरीरा नरतन पाई भजे रघुवीरा। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है कि जिसको मिलने के बाद भगवान का भजन करे। नरतन पाई भजे रघुवीरा। संसार में जितनी भी योनियां हैं और योनियों में बुद्धि नहीं है पर मानव में बुद्धि दिया गया। बुद्धि का उपयोग कहां करना है? कांटे भी हैं और फूल भी हैं, दुर्जन भी हैं और सज्जन भी हैं, नदी भी हैं और नाले भी हैं,
विचार ये करना है कि आपको किसका चयन करना है। इसलिए बुद्धि का उपयोग करो। पशुओं में बुद्धि नहीं है, मानवों में बुद्धि है, पर बुद्धि का उपयोग कहां करिए बात बड़ी विचारणीय है। बुद्धि से भगवान का ध्यान करो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान कहते हैं अर्जुन तू मुझ में अपनी बुद्धि को लगा। बुद्धि हम में हो। अरे ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं, एक भक्त ने भगवान को याद किया तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, उसने कहा कि आपको जरूरत है हमको नहीं है। भगवान ने कहा अरे विलक्षण। तो भगवान ने कहा कि मैं वरदान देने आया हूं। तो कहा नहीं नहीं आपके पास सब कुछ है पर आपके पास आपका मन नहीं है, इसलिए मेरा मन लेके अपना काम चलाओ और जाओ, क्योंकि आपका मन भक्तों ने चुरा लिया है। दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। हे यदुपते हमारा मन ले लो। यदुपते कृपया गृहाण। गोपांगनाओं ने भक्तों ने आपके मन को चुरा लिया है, इसलिए मेरे मन को ले जाओ श्याम सुंदर, अपना काम चलाओ। मन भगवान में लगे, बुद्धि भगवान में लगे। रामचरित मानस के जब ज्ञान कांड में जहां पर पक्षीराज गरुण भुसुंडी का संवाद होता है नीलगिरी पर्वत पे, वहां कहते हैं काज भुसुंडी जी, गरुण जी सब कर मत खगनाय कहिहा, करिय राम पद पंकज नेहा। हे खगनायक, हे पक्षियों के राजा गरुण, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान राम के चरणों में अपना प्रेम जगाओ। जीवन मिला ही है कि जीवन को जगदीश में समर्पित करें। जिस प्रकार नदियों का गंतव्य सागर है, नदियों का लक्ष्य क्या है? सागर। सारी नदियां सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार नृणामे को गम्य त्वमसि पयसाम अर्णव इव। जैसे नदियां सागर में मिल रही हैं, उसी प्रकार जीव भी जगदीश में मिल जाता है। नर का लक्ष्य ही है नारायण की प्राप्ति। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उसकी जिज्ञासा करो, विचार करो, बार बार अपनी बुद्धि का उपयोग करो। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः, इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। ये बार बार विचार करो। कस्त्वं तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कुत आयातः हम आए कहां हैं। कस्त्वं को हम कुत आयातः कामे जननी मेरी मां कौन है, को मे तातः मेरे पिता कौन है। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं। भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। हे मूढ़ मते, हे मानव, उस गोविंद का आश्रय करो। तो यहां पर भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह मर्दन किया है, मोह भंजन किया है, और ब्रह्मा जी अपने लोक को गए हैं। तो आज पुनः दावाग्नि पान ठाकुर जी ने किया है, दावाग्नि लग गई और ग्वाल वालों की रक्षा किया है। समय आने पर सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन भगवान तो जल पे भी कृपा करते हैं, जल को भी ठाकुर जी पवित्र करते हैं। कैसा जल? तो कहा यमुना का जो जल है बड़ा दूषित है, इस समय भी दूषित है और उस समय भी था। तो तब तो कन्हैया थे तो जल को ठीक किया, अब भी कुछ कार्य चल रहे हैं। तो भगवान को लगा कि यमुना का जल ठीक करें। भाई डॉक्टर कहते हैं कि बहुत सारी बीमारी जल के कारण ही होती है, इसलिए जल शुद्ध पीना चाहिए, शुद्ध जल पिए। अधिकांश बीमारियां जल से होती हैं, और जल बदल जाए तो भी दिक्कतें शरीर में आती हैं।
शरीर में जल की मात्रा कम हो जाए तो भी दिक्कतें आती हैं, फिर वो हॉस्पिटल में फिर चढ़ रहा है बोतल क्योंकि जल की कमी आ गई। पूरी धरा पर तीन भाग जल है, एक भाग में पृथ्वी है, तो कहा जल ही जीवन है। अच्छा, एक बार कुछ न मिले, जोरों की धूप लग रही हो, भोजन न मिले, एक बार चल जाएगा, पर गर्मी में इतनी प्यास लगती महाराज, दो दो मिनट पे फिर जल जीरा पियो, क्या क्या पीना पड़ता है। तो जल की शुद्धता जरूरी है, तो भगवान ने जल शुद्धि किया, यमुना का जल दूषित हो गया है। क्यों दूषित हो गया? इस यमुना में एक बहुत बड़ा सर्प रहता है, उसका नाम है कालिया। भगवान ने कहा कि भाई दो काले एक जगह नहीं रहेंगे, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, या तो मैं ही रहूंगा या तो यही रहेगा, दो काले यहां नहीं रहेंगे। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की ग्वाल वालों के संग, और वो कंदुक जाकर के भगवान के हाथ से यमुना के दह में गिरा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे गेंद लाओ। ठाकुर जी गए, वृक्ष पे चढ़े और उसमें छलांग लगा दिया यमुना के विशाल जल में जो बहुत गहरा था, और जैसे भगवान ने छलांग लगा दिया तो सारे ग्वाल वालों ने कहा अरे राम राम, तो बच के नहीं आएगा, ये कहां चला गया, बहुत बड़ा कालिया नाग रहता यहां। सब लोग जाकर के नंद बाबा को बताए, यशोदा मैया को, सारा ब्रज वहां यमुना के तट पे आ गया, अरे राम राम ये क्या हुआ, कन्हैया तैने क्या कर दिया। ये भगवान अंदर प्रविष्ट हुए तो देखा तो वहां काली अनाग और फुफकार मारता हुआ यमुना के सारे जल को दूषित कर दिया था। कोई भी पशु पक्षी ऊपर से जाए तो उसके प्रभाव से उसमें गिर जाता था। भगवान ने कहा कि इसको छोड़ के तुम चले जाओ, और जैसे भगवान ने कहा तो उस कालिया ने अपने फण में ठाकुर जी को बांध लिया। पर ठाकुर जी तो बंधन मुक्त करते हैं, भला ठाकुर जी कौन बांध पाएगा। भगवान ने कहा कि तुम यहां से रमणक द्वीप जाओ, और भगवान ने उसका मान मर्दन किया, भगवान उसके प्राण लेने वाले हैं। तब तक नाग पत्नियां प्रकट हो गई और कहा कि प्रभु हमारे सुहाग की रक्षा करो, और आप इसका मान मर्दन तो कर दो पर मारो नहीं, क्योंकि हम विधवा हो जाएंगे। न्यायो हि दंडह गगल विशेषमें तवावतारह खल निग्रहाय। प्रभु आपका जन्म ही दुष्टों के दमन के लिए हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। जब जब ऐसा हुआ, जब जब धर्म की हानि हुई, तो बाबा लिखते हैं मानस में तब तब भगवान को आना पड़ा। बोले वृंदावन विहारी लाल की, जब जब धर्म की हानि हुई, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब ठाकुर जी को आना पड़ा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब तब ठाकुर जी आए। नागपत्तियों ने कहा प्रभु रक्षा करिए, हमारा सुहाग छिन जाएगा, हम विधवा हो जाएंगी। न्यायो हि दंडः कृतकल्य विशेषमिं स्तवावतारः खल निग्रहाय। आपका अवतार ही दुष्टों के दमन के लिए हुआ है, आप कृपा करुणा करो। भगवान ने कहा कि इससे बोलो ये मुझे ऊपर पहुंचाए। ऐसा कालिया का मान मर्दन किया है, जो जो फण को उठाए ठाकुर जी उसी पर नृत्य करते थे, उस फण पे खूनों का वमन करता हुआ उसके फण को मर्दन किया है ठाकुर जी ने, और कालिया भगवान को लेकर के ऊपर बैठा करके यमुना के जल में प्रकट हुआ है। सब लोग देखे जय होश हुआ है, बोलिए काली मर्दन भगवान की जय हो। ठाकुर जी नर्तन करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पट 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 थम 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 थनि पर बिम 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 बिनति करत नाग वधुआरी, तांडव गति मुंडन पर नाचत
गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी विध विध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी दास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने चन 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 चरण चपरत निर्भय कियो पारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 काली मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने नृत्य किया है और मान मर्दन किया है कालिया का और कहा कि तुम रमणक द्वीप जाओ। तो कहा कि रमणक द्वीप में जाएंगे तो गरुण जी परेशान करेंगे। भगवान ने कहा नहीं, हमारे चरण चिन्ह पड़े हैं, जाओ, तुम्हारा स्वागत सम्मान करेगा वो। कालिया यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप चला गया। इस प्रकार भगवान ने यमुना पर कृपा किया है, यमुना का जल पवित्र किया है, सुंदर मीठा जल हो गया, सब लोग पान करने लगे। बोलिए यमुना महारानी की। इस प्रकार भगवान ने यमुना पर कृपा किया, कालिया पर कृपा की। समय आने पर सुखदेव महामुनि कहते राजन, भगवान ने अपनी अदरोष्ठों पे भगवान ने वेणुवादन किया है। भागवत जी में पांच गीत हैं, वैसे तो कई गीत हैं पर मुख्यतया पांच गीत हैं। वेणु गीत हैं, गोपी गीत हैं, युगल गीत हैं, भ्रमर गीत हैं, महिषी गीत हैं। तो आज ठाकुर जी ने अपने कर कमल से वेणु को अपने अदरोष्ठों पे लगाया। जिस समय ठाकुर जी के होठों पे बंशी बजती है उस समय गोपांगनाएं कहती हैं कि ये मेरी सौत है, चढ़ती हैं बंशी से, बहुत चढ़ती है। कह रहे तो बंशी कहती है देखो मुझे यहां तक आने के लिए बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी, पहले मुझे जलाया गया, फिर उसमें छेद किए गए, फिर अंदर से सब कुछ बिल्कुल हटा दिया गया, मैं बिल्कुल अंदर से खाली हूं, मेरे अंदर कुछ है नहीं। और जिसके अंदर कुछ नहीं रहता है उसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बहुत तपना पड़ा मुझे, तब जाकर के ठाकुर जी के अधरों पे मैं आई हूं। आज ठाकुर जी ने वेणुवादन किया है और ठाकुर जी का ऐसा वेणुवादन कि मानो प्रकृति भी स्थिर हो गई हो। जिसकी समाधि लगी हो समाधि टूट जाए और नहीं हो तो फिर समाधि लग जाए, बिल्कुल प्रकृति ही विस्मित हो गई। और ठाकुर जी ने ऐसा वेणुनादन किया है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासह कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। आज भगवान ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, बरहा पीडम
भगवान ने अपने माथे पर मोर पंख धारण किया। ठाकुर जी के मस्तक पे मोर पंख है। ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं? तो कहा कि पहली बार किसी मयूर ने ठाकुर जी को साथ लेकर के एक बहुत ही सुंदर वस्तु की प्राप्ति कराई, और वो जो मयूर था वो ठाकुर जी को लेकर के गया, और पहली बार उसने राधा रानी से ठाकुर जी का मिलन करवाया, मयूरी करवाया था। इसलिए ठाकुर जी उस मयूर को अपने ऊपर धारण करते हैं। वैसे मयूर का जो सिद्धांत है कि वो निष्काम रहता है, उसके अंदर काम नहीं होता है, क्योंकि जब वो नृत्य करता है और जब उसके आशीर्वाद होते हैं तब उसको मयूरी ग्रहण करती है और उससे वो सगर्भा होती है। तो मयूर निष्काम है, इसलिए मांगलिक कार्यों में मयूर के मोर पंखों की बड़ी महिमा है। तो ठाकुर जी उसको धारण करते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के फूल है ठाकुर जी। बिभ्रदवासह कनक कपिशम, चमचमाता हुआ पीताम्बरी धारण किया है ठाकुर जी ने। वैजयंतीम च मालाम, और ठाकुर जी गले में वैजयंती माला है। रंध्रान वेणोरधर सुधया, ठाकुर जी ने अपने होठों पर रंध्रान वेणो रंध्रान छिद्रान उसके छिद्रों को पूर्ति करते हुए गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। ठाकुर जी वृंदारण्य में प्रविष्ट हो जाते हैं और ठाकुर जी ने वेणुनादन किया है। सारी प्रकृति बिल्कुल स्थिर हो गई, तरंगे बिल्कुल शांत हो गई, गायों ने जो चारा चरना शुरू किया था भूल गई, बछड़ों ने दुग्ध पीना छोड़ दिया बिल्कुल, आज मयूर नर्तन करना छोड़ दिया, ऐसी बंशी बजी है ठाकुर जी की यमुना के तट पे महाराज, बड़े ही सुंदर। ठाकुर जी से सारी कलाओं का उद्भूत हुआ है, सारी कलाएं ठाकुर जी से ही निकली हैं, पर आज ठाकुर जी ने वेणुनादन किया है। उसको सुनकर के सबकी समाधि सी लग गई, बहुत सब विस्मित हैं। सुखदेव महामुनि कहते हैं इस प्रकार ठाकुर जी ने वेणु पे कृपा की है और समय आने पर चीरहरण लीला किया है। भगवान ने गोपांगनाओं के वस्त्र को चुराया है। ये वस्त्र क्या है? कहा कि वासना के वस्त्र हैं। मानो गोपांगनाएं तो ठाकुर जी की अपनी हैं, और ठाकुर जी कहते हैं आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ, ये ठाकुर जी की लीला है, माधुर्य लीला है। मानो चीरहरण को लेकर के हम किसी स्त्री पुरुष के संवाद को नहीं देख सकते हैं, ये तो ब्रह्म की लीला है। गोपांगनाएं उनकी आत्माएं हैं, मानो जीवात्मा का मिलन परमात्मा का मिलन, मानो चीरहरण लीला है। यज्ञ पत्नियों पे ठाकुर जी ने कृपा किया है। समय आने पर सुखदेव महामुनि कहते राजन ब्रज में बड़ा ही उत्साह है और ऐसी लीला सुना रहा हूं जिसको सुनने से मन बड़ा पुलकित हो जाए, बड़ा प्रसन्न हो जाए। उस लीला का नाम है गोवर्धन लीला। राजन इसे सुनो, बड़ी प्यारी लीला। ये शरीर ही गोवर्धन है, गो मतलब इंद्रियां, और जो हृदय में निवास करते हैं ठाकुर जी वही है गोवर्धन। गो इंद्रियाणि वर्धयति इति गोवर्धनः। मुकुंद माधव गोविंद वो, मुकुंद माधव गोविंद वो, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, आइए केशव माधव हरि हरि बो, मुकुंद माधव
हरि बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव महामुनि कहते राजन बड़ी प्यारी लीला है गोवर्धन लीला, उसको मैं सुनाऊंगा पर उसको कल सुनाऊंगा, कल 56 भोग भी लगेगा, आज यही लीला को विश्राम। आप सबकी मंगल कामना के साथ आज की वाणी को विश्राम, प्रेम से जय घोष करेंगे और उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के वीर शहीदों की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की लीला में गोवर्धन का 56 भोग और धूमधाम से रुक्मिणी मंगल मनाया जाएगा, आप सभी लोग आए, आप सभी का स्वागत है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्रभु जी आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्रभु जी आपको रिझाओ, आरती गाओ।
Thank you.